बाकी मुद्दे बोलने की 12 नोटिस दिया, हमारे नोटिस पे कोई सुनवाई नहीं होती है, उस पर चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में जाके देखे कि विपक्ष के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। यहां पे तो आज फिर भी डेमोक्रेसी है, संसद के अंदर तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। बाकी सत्ता की तरफ से क्या कुछ जो भी बीते दिनों रहा, क्या हम इसकी यहां पे झलक दिखेगी? देखिए, जो विधायक साथी जो भी उठाना चाहेंगे वो मुद्दे आपके सामने आएंगे। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है अभी जो गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन उसके बीच बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी है उनके एक नेता संदीप दीक्षित, उनकी तरफ से लगातार बयान आता है। कल उन्होंने केंद्र सरकार पे हमले किए, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी को घेरा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही तरह की, अगर गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ करे तो बीटी नहीं है बीजेपी की। देखिए, मैं उनको जो है अपनी वजह से कोई अटेंशन मीडिया की नहीं दिलवाना चाहता। उन्होंने इस पर भी बात की है कि जो बिल आया है आम आदमी पार्टी को अपने भ्रष्टाचार के मुद्दों को छुपाने के लिए लेकर आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके बारे में बात करूं और इस बहाने वो मीडिया में आ सके, हम उनको वो मौका भी नहीं देना चाहते। दिल्ली में आज एक बड़ा मुद्दा है कि जो प्रधानमंत्री संग्रहालय हुआ करता था, नेहरू मेमोरियल जो हुआ करता था, उसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया। आज के डेट से उसके नेम प्लेट सभी लग गए, कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठा रही है कि सब कुछ नाम बदल रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही घटिया राजनीति है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम को बदल के आप उनका एक तिरस्कार कर रहे हैं। और मृत आदमी तो अगर आपका दुश्मन भी हो तो भी उसके लिए बुरा नहीं सोचा जाता, बुरा नहीं किया जाता। इस तरीके का करना भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को दिखाता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मृत आदमी को भी अपमानित करने की कोशिश की जाती है।